नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे पूछूंगा 15 GK के क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और हर एक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा सोचने का, और वीडियो के लास्ट में आपको बताना है आपने 15 में से कितने का सही राइट आंसर दिया। और इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत में आया था? तो 5 सेकेंड आपके पास। बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1942 में ये भारत आया। क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है, क्रिप्स मिशन का गठन कब हुआ था? तो आपको बताना है 1921 में इसका गठन हुआ। यहाँ एक क्वेश्चन और बन सकता है, जैसे कि जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो उस समय के वायसराय कौन थे? तो आपको बताना है लॉर्ड लिन लिथगो उस समय के वायसराय। तो 1942 में ये भारत के वायसराय थे। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चोल काल के दौरान बनाया गया बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो 5 सेकंड है आपके पास। सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तंजौर में। क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक तंजौर नाम से जगह है, वहां पे ये मंदिर स्थित है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, एलिस इन द वंडरलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 5 सेकंड आपके पास। बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लुइस कैरोल। लुइस कैरोल ने ये पुस्तक लिखी है, एलिस इन द वंडरलैंड। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एंडरसन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो 5 सेकंड आपके पास, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सी यहां बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड। आप सभी जानते हैं रस्किन बॉन्ड इंडियन ऑथर हैं, और इनको लिटरेचर के क्षेत्र में इनको एंडरसन पुरस्कार दिया गया है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किस देश में विश्व का सबसे बड़ा मंदिर स्थित है? तो 5 सेकंड आपके पास। सी यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कंबोडिया। और आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जा सकता है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो आपको बताना है अंगकोर वॉट। अंगकोर वॉट, और अंगकोर वॉट को ही सिटी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। आप इसका विशेष ध्यान रखें, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर करें। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? 5 सेकंड आपके पास। बी यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कृषि था इनका मुख्य व्यवसाय। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विश्व में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? 5 सेकंड आपके पास। ए आंसर यहां बिल्कुल करेक्ट है, थाईलैंड। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत कौन से नंबर पे आता है, तो भारत आता है चौथे नंबर पे। और सबसे ज्यादा जो भारत में रबड़ का उत्पाद होता है वो है केरल। आपको ये विशेष ध्यान रखना है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, कदंब राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो 5 सेकंड आपके पास। बी आंसर यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वासुदेव। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, वाटर पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? सी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक टीम की खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए,
ताजमहल का मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है? तो आपके पास है 5 सेकेंड। बी आंसर यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अहमद लाहौरी को ताजमहल का मुख्य वास्तुकार माना जाता है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 11 देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। संसद की लोक लेखा समिति के कितने सदस्य होते हैं? 5 सेकेंड है आपके पास। सी यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22 सदस्य होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, बताओ लोक लेखा समिति में कितने सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं, तो आपको बताना है 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं और 15 सदस्य लोकसभा से। और जो इसका गठन हुआ था वो हुआ था 1921 में, आपको याद रखना है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पंडवानी किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? तो 5 सेकेंड आपके पास। डी यहां बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का ये प्रमुख एक लोक नृत्य है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो 5 सेकेंड आपके पास। बी यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरिसेन। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, डिजिटल इमेज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो 5 सेकेंड है आपके पास और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पिक्सेल। पिक्सेल सबसे छोटी इकाई होती है डिजिटल इमेज की। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो प्लीज लास्ट में अपना स्कोर जरूर बता के जाएं। 15 में से आपके कितने करेक्ट थे, कितने रॉन्ग थे, ये आप बता के जरूर जाएं। क्वेश्चन है हमारा, भारत का कौन सा राज्य शक्कर कटोरा कहलाता है? तो 5 सेकेंड आपके पास। सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य शक्कर कटोरा नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा होती है। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।